वेलकम टू माय चैनल सबस्तीन फैब्रिक आर्ट। आज हम आपको प्लाजो की कटिंग बताएंगे। प्लाजो की लेंथ हमारी 37 इंच है, उसके विड्थ जो है वो 14 इंच की होगी और जो उसका बॉटम है हम तैयार 18 इंच का रखेंगे। किसी भी पजामे में हम नेफा जो रखते हैं वो 2 इंच का रखते हैं। इसे हम बिना रुमाली का बना रहे हैं, इसलिए हमने रुमाली पर क्रॉस लगाया है। इसका आसन हम 15 इंच का तैयार रखेंगे। आइए हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम आपको इसकी कटिंग दिखाते हैं। कटिंग के लिए हमने कपड़े को फोल्ड फोल्ड करके रखा है। चौड़ाई हम इसके भी नापी नहीं है, अब नाप लेते हैं। चौड़ाई इस कपड़े की आ रही है 23 इंच की फोल्ड फोल्ड, और जो फ्लैपर हमें तैयार चाहिए था वो 37 इंच का था। 37 इंच में हमने 3 इंच कपड़ा और ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमारे पास 40 इंच का हमारा तैयार आ गया है। जो कपड़े की चौड़ाई है, उस चौड़ाई के मिड पर हमें निशान लगाना है। ये लीजिए, इस कपड़े की चौड़ाई 23 इंच है। 23 का आधा हमारा होगा 11.5। 11.5 हमने इसका मिड पॉइंट लगा लिया। जिस साइज़ का हम ये पजामा तैयार कर रहे हैं उसका हिप का फोर पार्ट लॉक 10 है। 10 में हमने 3 और डाले तो 13 हो जाते हैं। 13 में 1 इंच हमने और सिलाई का हक डाला तो 14 हो जाते हैं। 14 इंच का हमने ये 2 निशान लगाए हैं, टोटल 14 इंच है। मिड पॉइंट से लगाया है 7 इंच इधर 7 इंच इधर, और ये मिड पॉइंट है इसका। किसी भी एक साइड पर हमें इसका पॉच एरिया बनाना है, जो कि टोटल 14 इंच का तैयार होगा। 14 इंच का, और इसी के सामने हमें एक लाइन और बनानी है, वो भी क्रॉच एरिया साइड पर ही बनेगी, लेकिन यहाँ क्रॉच एरिया नहीं बनेगा। पूरे 14 इंच की ये भी होगी। फिर हम इसका बॉटम तैयार करेंगे। बॉटम के लिए हमें यही मेथड यूज़ करना है। पहले इसका मिड पॉइंट लेना है 11.5 से हमें 18 इंच का बॉटम रखना था, हमने ये 9 पे इंच के रखा है, 9 इंच इधर और 9 इंच इधर, ये हमारा 18 का बॉटम। इसके बाद हम अपना जो हमने नॉर्मल सी लाइन बनाई थी उस लाइन को बॉटम से मिला देंगे, तो आप प्यार से आराम आराम ये मिल गया। और जो हमारा क्रॉच एरिया है, यहाँ पे अभी हम क्रॉच एरिया बनाएंगे, वो हमारा 1 इंच चौड़ा होगा। तो हम जो 7 इंच का लिया था निशान, उसी के अंदर एक लाइन और बनाएंगे, और यहाँ इस तरह से क्रॉच एरिया बनाया है। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल की मदद से, वरना आप कभी किसी चीज़ से मोहताज रहेंगे, अपने हाथ की मदद से इस तरह से शेप दे दीजिए आपकी ड्राफ्टिंग फ्लैपर की। आइए अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। आइए अब हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं। पहले आप कोई इसमें कट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई शेप नहीं लेना, सीधे सीधे काटते चले जाना है। ये हमारी एक सेट कट हो गई, अब हम दूसरी साइड की कटिंग आपको बताते हैं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से कपड़ा काटिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से आराम आराम से यहाँ से पहुँचेंगे, बहुत प्यार से गोलाई से लेते हुए। ये हो गया हमारे प्लाजो कटिंग तैयार। रुमाली नहीं लगाते हैं, सिलाई इसकी बिल्कुल सीधे पर जाने की तरह। अगर क्वेश्चन जरूर कीजिए।